अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम फजल से हम सब एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ हमारी बर्ड्स की डेली रूटीन कि हम इनको इनकी ट्रेस को कैसे साफ़ करते हैं, सुबह सुबह जो हमारे डेली की एक्टिविटी होती है वो क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनकी करते हैं सारी ट्रेस को साफ़। तो बर्ड्स अब नेक्स्ट करेंगे तो आपको दिखाते हैं कि हम लोग ठीक है डेली वॉश नहीं करते, ठीक है। उसको इस तरह का ये पत्रा है, ठीक है, तो इसे हम डेली साफ़ करते हैं सारी ट्रेस को बाकायदा। वॉश हम हर मतलब हफ्ते के बाद कर देते हैं सारी ट्रेस को। अब क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है हम केज नहीं निकाल सकते, इसलिए जस्ट ट्रेस को हम हर हफ्ते के बाद वॉश करते हैं और ऐसे तो हम डेली साफ़ करते हैं, ठीक हो गया। और अभी बर्ड्स अब सारी ट्रेस को साफ़ कर रहे हैं। खैरा जो है वो बर्ड्स अब ने सबकी साफ़ कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे दाना साफ़। बारी बारी सबका दाना निकलता है उसके केज में से, ठीक है, और इस छन्नी में आता है। और जितने भी छिलके वगैरह होते हैं सारे इसे हम फूंक मार के बर्ड्स अब इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मशीन अभी तक नहीं है। तो ये भी बहुत इजी तरीका है, 2 मिनट में सारे साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इन सब के बारी बारी सब के साफ़ करेंगे और सबका दाना उसी में थोड़ा थोड़ा ऐड करके तो डाल देंगे। अभी बर्ड्स अब कर रहे हैं साफ़ और दाना जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। और ये जो दाना है बेस्ट है फॉर ब्रीडिंग, ये दाना हम लोग खुद तैयार करवाते हैं शॉप पे जाके या घर ले आए तो सारा खुद मिक्स करते हैं, मेरी इस पे लास्ट वीडियो भी है। तो अभी इसमें थोड़ा सा ऐड किया और वो डाल दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही सबके बारी बारी साफ़ होंगे। और ये जो दाना है ये है लवबर्ड्स का और मैं आपको रिंगनेक का दाना दिखा देती हूँ। और ये वाला जो दाना है ना इसमें हमने, क्योंकि जो रिंगनेक है हमारे जी वो उनके बहुत नखरे हैं, तो ये है रिंगनेक का दाना, ये देखा। हाँ जी, तो चलें दाना वगैरह सबका साफ कर लें, सबका डाल लें, तो फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं। तो ये है निकला एक दिन का गंध, ठीक है, इनके दाने में से दाना माशाल्लाह सबका हो चुका है। पानी जो है हम वो रात को निकाल देते हैं, तो अभी बस इनको पानी चलेगा। तो अभी इस पानी में जाएगा च्वार का, ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इनके हार्ट वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। इसको मैं हफ्ते में एक दफ़ा इनको दे देती हूँ ताकि इनका जो निज़ाम वगैरह ना अंदर का वो बिल्कुल ओके हो। तो जब भी आपने कोई चीज़ देनी है ना, कोई सिरप या कुछ भी देना है अपने बर्ड्स को पानी में डालने वाला, तो रात को पानी ज़रूर निकालिएगा ताकि सुबह उनको प्यास होती है तो वो उसी टाइम पी ले। और उसके बाद कुछ देर बाद घंटे दो, हाँ जी 1.5 डेढ़ लीटर बोतल में ना 1.5 ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप लोग निकाल लिया करें, ठीक है, ताकि सुबह उनको प्यास लगी होती है तो वो डायरेक्ट सुबह जल्दी से पानी पीते हैं, फिर 1-2 घंटे बाद ना आप लोग इसको निकाल लें पानी को, ज़्यादा देर नहीं रखते, ठीक हो गया। तो चलें अब बारी बारी इन सबका हम पानी डालें। डिशेज साफ़ करने के लिए जो पानी है वो सेपरेट रखा होता है कि उसको हल्का वॉश हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं हर हफ्ते के बाद, बट फिर जो नॉर्मल साफ़ होती है ना अंदर हाथ वगैरह करके साफ़ करके, तो ऐसे बस अब इसमें बर्ड्स अब डालने लगे हैं च्वार के वाला पानी, कि बहुत अच्छा होता है ये। बच्चे आए होते हैं ना उस टाइम भी ये पानी बहुत अच्छा होता है, उसमें पानी में आप ऐसे ही मिक्स करके दे दें तो बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा रहता है, तो उससे जो डेड इन सेल की रेशो है ना वो भी कम होती है। तो चलिए अब हम इनको सबको पानी डालते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो पानी वगैरह जो है इन सबको माशाल्लाह से डाल दिया है और नीचे से जो कूड़ा वगैरह था वो भी उठा दिया है। अब हम लोग करेंगे सारी सफाई फर्श वगैरह की, और फर्शों की सफाई जो है ना वो आप लोग सर्फ़ और फिनाइल से किया करें। हम वो दोनों चीज़ें पानी में ऐड करके तो अच्छे तरीके से डेली वॉश कर देते हैं, ठीक है। आप अपने बर्ड्स को अच्छे तरीके से रखेंगे, साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करेंगे, तब ही ना कोई जरासीम आएंगे ना कोई वायरस आएंगे और आपकी जो ब्रीड है अच्छी आएगी, आपके जो बच्चे हैं वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। जर्म्स जो होते हैं ना उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा डेड हो जाते हैं। अगर गंद होगा तो आपको पता है जरासीम होंगे, और वो जो उनके एग्स वगैरह होते हैं उनके मसाम खुले होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जाएंगे जरासीम तो ऑफकोर्स डेड इन सेल होगा। तो ये देखें बर्ड्स जो है ना फिनाइल का और सर्फ का पानी बना के ले आए हैं, तो बस अभी हम ये सारा फर्श जो है अच्छे तरीके से वॉश करते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह सफाई वगैरह जो है हमारी हो चुकी है, फर्श वगैरह सब साफ़ हैं। और ये थी हमारी डेली रूटीन हमारे बर्ड्स के साथ माशाल्लाह से। और अभी हम इनको जो सॉफ्ट फूड डालेंगे वो 12 बजे या जैसे भी होगा वो एक डिफरेंट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होगा, ठीक है। तो ये थी इनकी मॉर्निंग रूटीन, और यहाँ पर हमारा जो मॉर्निंग रूटीन का काका है वो भी सो रहा है। बर्ड्स अब अल्लाह हाफिज़ कर दें। और जो डोडो है ना वो अंदर जो ऊपर से दाना गिरता है ना वो डोडो साहब नीचे बैठ के खाते हैं, और मिनी को तो डोडो इतना मारता है मिनी को तो बैठने नहीं देता यहाँ पे। तो चले मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।